कंपनियों में निवेश करने के बाद भुगतान न मिलने से क्षुब्ध लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन, धनराशि वापस न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। विभिन्न कंपनियों में निवेश करने वालों को धनराशि वापस नहीं मिलने पर दर्जनों लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि लाखों की संख्या में लोगों से ठगी की गई है, निवेशकों को भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते निवेशक जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। निवेशकों का कहना है कि अगर उनका धन वापस नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही आने वाले 2024 के मतदान का बहिष्कार करेंगे, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। आज हम लोग माननीय जिलाध्यक्ष के महोदय से माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, कमिश्नर महोदय जी के नाम से एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि जब संसद के द्वारा 2019 में बर्थ एक्ट लागू किया गया, लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में बर्थ एक्ट को लागू नहीं किया गया है, जिस वजह से हम लोग पीड़ित हैं। 42 करोड़ ठगी पीड़ित पूरे देश में पीड़ित हैं, जो कि सरकार ने इनकी अभी तक सुध नहीं ली है। सरकार ने बर्थ एक्ट बना दिया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरे देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित आज ठगे से महसूस कर रहे हैं। सरकार चाहे तो सभी ठगी पीड़ितों को एक दिन में पैसा दे सकती है, क्योंकि सभी कुछ सरकार के हाथ में है। हम लोग 2014 के बाद में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारा भुगतान नहीं हुआ है और हमारे साथ में ठगी हुई है। यदि हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। निवेशकों की मांग है कि प्रधानमंत्री राज्य और सक्षम अधिकारियों को धन वापसी के लिए आदेश करें, बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती से कराई जाए, राज्य के प्रत्येक निवेशक की जमा राशि को 2 से 3 गुना भुगतान अभिलंब कराया जाए, ठगों को दंडित किया जाए, पीड़ित निवेशकों को भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।